लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता को लेकर रन फॉर यूनिटी में देश के लोग दौड़ लगा रहे हैं। वाराणसी में भी यह काफी चर्चित है, क्योंकि कई स्थानों पर लोग दौड़ लगा रहे हैं। वाराणसी में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ ही बीजेपी के पदाधिकारियों व काफी लोगों ने रन फॉर यूनिटी के तहत दौड़ लगाया। वाराणसी से पीबीसी रिपोर्टर विकास गौड़ की ये रिपोर्ट। और भारत के स्वाभिमान के प्रतिनिधियों के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का आज वो लोकार्पण करने वाले हैं गुजरात में। पूरे देश में हमारे सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन के लोग आज जो एकता दौड़ है उसको वो करने वाले हैं। एकता दौड़ कार्यक्रम आज अलग अलग जगहों पर हमारे मंत्रीगण गए हुए हैं और वाराणसी में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। तो हम लोग सुबह से ही इन कार्यक्रमों को अलग अलग पूरे प्रदेश के कोने कोने में कर रहे हैं। एक ही मंतव्य है कि देश हमारा एक कैसे हो, देश हमारा मजबूत कैसे हो, और कैसे जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम लोग एक विकास के दौर में चल सके, यही सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये सपना था जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया है सबका साथ सबका विकास के साथ में। तो आज जो यहाँ की दौड़ है, लखनऊ में कोई और लोग जाएंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, अलग अलग जगहों पर हमारे उप मुख्यमंत्री और मंत्री रहेंगे। तो ये एक पूरे प्रदेश में जन जागरण का ये अभियान है कि लोगों को लगे कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारत को विभाजित करने का दिवा स्वप्न देखा गया था, पाकिस्तान के विभाजन की जो नींव रखी गई थी, उसको किस प्रकार से उसका मुकाबला सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, तो ये एक आज अवसर है एकता और समन्वय के जागरण का। सर, प्रवीण तुगड़िया जी का कहना कि सरदार जी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब राम मंदिर बनेगा। ये उनका वक्तव्य है, सब लोग चाहते हैं मंदिर के बारे में, वो पार्टी का स्पष्ट अभिमत है और पार्टी ने जो संकल्प पत्र में कहा है उसके आधार पर चल रही है। लेकिन सरदार जी का ये जो सपना देश को एकता के सूत्र में बांधने का, वो आज पूरा हो रहा है। शीतकालीन सत्र जिले के जिला अध्यक्ष माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। मैं महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहारी जी से अनुरोध करता हूँ कि आप माननीय संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश का माल्यार्पण का स्वागत करें। अब मैं श्रीवास्तव जी का भी स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं मुख्य अतिथि माननीय दिनेश शर्मा जी से क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय महेश श्रीवास्तव जी से और संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश माननीय सुरेश बंसल जी से सुशील जी है प्रदेश जो राजी जो राजी थे महानगर अध्यक्ष अशोक तिवारी जी से शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्रों पर आइए।